बहू बनी बिजनेस वुमन। उर्मिला की शादी एक बिजनेस फैमिली में होती है, लेकिन उर्मिला इससे बिल्कुल अनजान होती है। कितनी भोली है तू बहू, तेरे माता पिता ने क्या कभी घर से बाहर नहीं निकाला तुझे? माँ जी, मुझे शर्म आती है बाहर जाने से। वैसे भी भैया ही सारे काम कर देते थे, तो मुझे जरूरत भी नहीं होती थी। और घर का भी तो कितना काम होता था, तो मैं माँ को ना कोई काम नहीं करने देती थी। और पता है माँ जी, बड़ी ही मासूम है, लेकिन बातें बहुत प्यारी करती है। माँ क्या सारा दिन बहू से बैठकर बातें करती रहती है, चलो ना सब कहीं घूम कर आते हैं। हाँ हाँ, ले जा, दिखा दे माँ और बीवी को अपना सपना। आपका सपना? कैसा सपना, क्या बोल रहे हैं पापा जी? अब सारी बात यहीं करोगे या चलोगी भी? सभी को मोहन एक खाली जमीन के पास ले जाता है। माँ, उर्मिला, देखो ये जमीन दिख रही है ना, यहाँ मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा, फिर देखना कितना कमाता हूँ मैं। मेरा सपना है कि मैं अपनी खुद की एक फैक्ट्री खोलूं। किस चीज की फैक्ट्री? तुम नहीं समझोगी। अरे ना समझे तो तू बता देना बेटा। मैं ना इंजन ऑयल बनाने की फैक्ट्री खोलूंगा। अच्छा, तुम जानती हो क्या होता है ये ऑयल? नहीं तो, मैंने तो ऐसे किसी ऑयल के बारे में नहीं सुना। खैर छोड़िए ना, जब आप काम शुरू करेंगे तो मैं भी सीख जाऊंगी। वैसे भी बीएड किया है मैंने इतिहास से। बहुत ही भोली है बहू, इतिहास और केमिस्ट्री में अंतर होता है। खैर छोड़ो। सभी घर आ जाते हैं। रात को मोहन उर्मिला से कहता है, तो मैडम कैसा लगा आपको हमारा सपना? बस ये सपना पूरा हो जाए, मेरे आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। आत्मा को शांति तो मरे लोगों को मिलती है, और मरे आपके दुश्मन। खैर बात आई गई हो जाती है। जमीन में भूमि पूजन वाले दिन। ये सास बहू तैयार होने में कितना वक्त लगा रही है, इतने में तो फैक्ट्री बनकर भी खड़ी हो जाती। आ गई मैं पिताजी, चलिए। वैसे भी ये इनका सपना है, मतलब हम सबका सपना है। मोहन और उर्मिला बैठकर फैक्ट्री का नींव पूजन करते हैं। पूजा होने के बाद, पापा आप लोग घर के लिए निकलिए, मैं मजदूरों को प्रसाद देकर आ रहा हूँ। सभी घर आ जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक मोहन नहीं आता। क्या बात हो गई, मोहन नहीं आया? मैं कार लेकर जाता हूँ, शायद रास्ते में ही कहीं रुक ना गया हो। हाँ पिताजी, अब जल्दी से जाइए, हो सकता है कि कार खराब हो गई हो। लेकिन पिताजी के जाने से पहले ही खबर आती है कि मोहन की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। फिर कुछ महीनों बाद, बहू अब तो थोड़ा संभाल लो खुद को, क्या सारा दिन किताबें पढ़ती रहती हो और बड़बड़ाती रहती हो, अरे क्या करने का इरादा है? माँ जी, इंजन ऑयल गाड़ियों में पड़ता है, पता है क्यों? जिससे इंजन सुरक्षित रहे। सास बहू की बात सुन रही होती है। माँ, इसे यूज्ड ऑयल से बनाया जाता है। मैं मोहन का सपना पूरा करूंगी। वो कहते थे कि जब तक ये फैक्ट्री नहीं बनेगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माँ, मैं अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करूंगी। अरे लेकिन बेटा, तू तो घर में रहने वाली एक घरेलू लड़की है, ये काम इतना आसान नहीं है। हाँ बेटा, तेरी सास सही बोल रही है, 10 जगह से परमिशन लेना, लोगों को घूस खिलाना, इतना आसान नहीं होता है फैक्ट्री का काम। और तू तो घर में रहने वाली लड़की है, सिंपल सी, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है एक काम की शुरुआत करने पर। खैर उर्मिला तो ठान चुकी होती है कि उसने पति के अधूरे सपने को पूरा करना ही है। अगले रोज वो उस जगह पहुंचती है और पुराने कॉन्ट्रैक्टर को फोन करती है और उसे वहीं बुलाती है, जो जगह मोहन ने फैक्ट्री बनाने के लिए खरीदी थी। अरे बहन जी, मैं तो आपसे ही बात करना चाह रहा था। जी, वो मैं यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहती हूँ, तो जो नक्शा मेरे पति मोहन ने पास किया था, उस पर आप कल से ही काम शुरू कर दे। कैसी बात कर रही है बहन जी, आपके बस का नहीं है ये काम, आप तो औने पौने दाम में ये फैक्ट्री मुझे बेच दो। बोलिए, एडवांस पैसे निकालूं क्या? देखिए, मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, और अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा तो
तो बता दीजिए, मैं किसी और से करवा लूंगी। कॉन्ट्रैक्टर की कमी नहीं है। खैर, कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू कर देता है। फिर कुछ साल बाद, बेटा फैक्ट्री के लिए बिजली का कनेक्शन चाहिए होता है। कल बिजली विभाग में चली जाना, मैंने बात कर ली है। वो बाबू 5 लाख रुपए की घुस लेगा, लेकिन काम जल्दी करवा देगा। पर पापा, 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, और इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे मैंने ना अपने गहने गिरवी रखे हैं बेटा 5 लाख के लिए। एक बार मोहन का सपना पूरा हो जाए, फिर तो तू मुझे नए दिलवा देगी ना। नहीं नहीं माँ जी, मैं एक पैसे की घूस नहीं दूंगी। अरे बेटा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कैसे करेगी काम? बहू घर से बाहर निकलती है और बैंक की ओर जाती है। बैंक जाकर उर्मिला मैनेजर से कहती है, सर मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। अच्छा, तो क्या है आपके पास बैंक को देने के लिए, जिस पर बैंक आपको लोन दे? और आपको लोन किस पर्पस के लिए चाहिए? मेरे पास जमीन है, और लोन मुझे बिजली विभाग में घूस देने के लिए चाहिए। जिस फैक्ट्री में बिजली देना सरकार का काम है, राज्य की तरक्की के लिए जो लोग वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, उसे तो सरकार को फ्री में कनेक्शन देना चाहिए। उस विभाग के लोग हम लोगों से घूस मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बैंक से लोन ले रही हूँ, और यही बात मैं अपनी अर्जी में भी लिखूंगी। मैनेजर आश्चर्यचकित हो जाता है। लेकिन देखिए, इस पर्पस के लिए लोन नहीं मिल सकता, आपको कुछ और लिखना होगा। उर्मिला बैंक से निकलकर बिजली विभाग जाती है और उस अधिकारी से कहती है, देखिए मेरे पति का सपना था कि उस जमीन में फैक्ट्री बने। अब फैक्ट्री तो लग गई है, लेकिन घूस के 5 लाख देने की हैसियत नहीं है मेरी। हैसियत नहीं है घूस देने की, तो खाली फैक्ट्री को चला लो अंधेरे में। अरे मैडम, प्रोडक्शन से लेकर पैकिंग तक सब में बिजली लगेगी, और उस बिजली के लिए आपको घूस तो देनी होगी। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, कल पैसे लेकर आती हूँ। उर्मिला वहाँ से निकलकर सीधा पास की टीवी न्यूज चैनल के पास जाती है और अधिकारी का रिकॉर्ड किया वीडियो दे देती है, जिसमें वो उससे घूस मांग रहा है। तो देखा आपने कैसे खुले आम ये आदमी इस महिला से फैक्ट्री में बिजली देने के लिए घूस मांग रहा है। क्या कर रही है राज्य की सरकार? उर्मिला घर आती है कि वो अधिकारी उसके घर आ जाता है। मुझे माफ कर दीजिए उर्मिला जी, अपनी शिकायत वापस ले लीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। और मेरी फैक्ट्री में लाइट? अरे मैडम लाइट छोड़िए, अब तो जब तक फैक्ट्री पूरी तरह चल नहीं जाती, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, और मैं ना एक पैसे की घूस नहीं लूंगा कसम से। बस फिर क्या था, मोहन का सपना पूरा होता है। और एक दिन, ये कुर्सी तेरी है बहू, जो कभी मोहन की होने वाली थी। तूने तो बेटा वो कर दिखाया जो कोई आम महिला नहीं कर सकती थी। हमें तुम पर बहुत नाज है।